हुई है ना, और हम इसके ऊपर हमने मंत्र एक पढ़ चुके हैं और मंत्र से ये बॉल अब करेगी नाचना चालू। देखिए दोस्तों हमारे छड़ी पे बॉल चल रही है, सारा खेल दोस्तों बैलेंस कर। सो हेलो फ्रेंड, जय बाबा की। हाँ तो भाई लोग कैसे हैं आप सभी लोग? मैं भी बहुत अच्छा हूँ दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं हर बार आपके लिए लेके आता हूँ एक न्यू मैजिक ट्रिक। मैं यानी कि गुरु मैजिक शॉप यानी कि आपका भाई। तो आज भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू मैजिक ट्रिक, जो कि पहले आपको दिखाऊंगा उसके बाद आपको सिखाऊंगा भी कि आखिर ये मैजिक होता कैसे है। तो दोस्तों मैजिक देखिए, सीखिए, सब कुछ करिए। अगर आपको मंगवाना है हमसे मंगवा भी सकते हैं। फिलहाल ये तो आप घर ही में बना सकते हैं। हम आपको ऐसे बहुत से ट्रिक्स देते हैं जो आप घर ही में बना लेते हैं, हम आपको बताते हैं और उसके बाद आपको बनाने का तरीका भी बता देते हैं। तो दोस्तों लेकिन अगर अच्छा लगे तो अपने इस भाई की मेहनत थोड़ी सी सफल कर दिया करो यार। एक लाइक कर दिया करो नीचे यार, एक कमेंट कर दिया करो, घंटी वाला बटन मत दबाना यार, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को यार जिसने ना सब्सक्राइब किया। तो दोस्तों आज का मैजिक बहुत ही उम्दा, बहुत ही लाजवाब होने वाला है। आप इसे कहीं भी कर सकते हो, किसी भी जगह पर कर सकते हो, खासतौर स्टेज के लिए बहुत प्यारा मैजिक है दोस्तों। और देखिए ये मैजिक है, आज ये मैजिशियन अपनी छड़ी लेके आया है, इसी छड़ी द्वारा ये मैजिक होगा। देखिए कैसे होता है दोस्तों। हमारे पास देखिए हमारी एक छड़ी है, जो कि आप देख सकते हैं पूरी एक छड़ी है, हमारे हाथ में एक बॉल है। और दोस्तों ये जो बॉल है ये हमारी इस छड़ी पे आज नाचने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये छड़ी भी हमारी गोल है और बॉल भी हमारी गोल है, लेकिन हमारी ये छड़ी पे नाचेगी। देखिए कैसे नाचती है दोस्तों। हम इसको यहाँ पे देखिए, बॉल का कोई कनेक्शन नहीं है छड़ी से, आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों, है ना। और हम आपको ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है दोस्तों। और देखिए हम अपनी इस छड़ी को ऊपर बॉल को धरते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हम इसे, और देखिए दोस्तों ये बॉल इसके ऊपर लगी हुई है, बहुत ही प्यार से बैठी हुई है ना। और हम इसके ऊपर हमने मंत्र एक पढ़ चुके हैं और मंत्र से ये बॉल अब करेगी नाचना चालू। देखिए दोस्तों हमारे छड़ी पे बॉल चल रही है, सारा खेल दोस्तों बैलेंस का है। तो देखा दोस्तों आपने, हमारी छड़ी पे ये बॉल नाची, जैसे हमने इसको नचाया वैसे ये नाची। तो दोस्तों मैजिक कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो यार एक लाइक एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम आते हैं इस मैजिक के रहस्य की ओर। तो दोस्तों जादू का, मैजिक का ट्यूटोरियल, रहस्य जानने से पहले सिर्फ एक मिनट का समय लूंगा आपसे। आप हमसे मंगवा सकते हैं जादू का कोई भी सामान, कोई भी आइटम, बहुत ही उचित दामों पे, बहुत ही कम दामों पे दोस्तों। आप चाहें तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हैं, एक से भाग एक से लेकर भाग आठ तक हमने मैजिक के सामान के सभी लिस्ट डाल रखे हैं। सभी लिस्ट में भाग एक से लेकर भाग आठ तक, भाग एक दो तीन चार, सभी में अलग अलग लिस्ट सामान हैं। मैंने एक एक सामान हाथ में ले कर दिखाया है, उसका दाम और उसका नंबर भी आपको बताया है दोस्तों। दाम, नाम और नंबर, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको लिस्ट खोलनी है या आप मुझसे अपने WhatsApp पे लिस्ट मंगवा लीजिए। आप एक हाई लिख के भेजिए, हम आपको यहाँ से लिस्ट भेज देंगे। आप खाली लिस्ट खोलिए और लिस्ट खोल के जो भी आपको आइटम पसंद आ रहा है आप उसका नाम या नंबर मुझे WhatsApp कर दीजिए, मैं आपको यहाँ से बिल बना के भेजूँगा। आपका पोस्ट ऑफिस द्वारा सामान भेजा जाएगा और रसीद की फ़ोटो हम अगले दिन आपको भेज देते हैं। डिस्क्रिप्शन पे हमने अपना मोबाइल नंबर भी दे रखा है, आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, हमारा मोबाइल नंबर है 8299144899। यही हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है दोस्तों। तो आप हमसे कोई भी सामान मंगवा सकते हैं या खुद भी आके ले सकते हैं बहुत ही कम दामों पर, बहुत ही उचित दाम पर दोस्तों। हमारी शॉप उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले में स्थित है। तो दोस्तों आपको जादू का, मैजिक का कोई भी सामान चाहिए, सारे सामान हमारे पास अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। आप हमें ऑर्डर करिए, आपके घर तक पहुंचेगा सामान या आप खुद भी आके ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों इस जादू के, मैजिक के रहस्य की ओर, ट्यूटोरियल। तो दोस्तों मैजिक का रहस्य बहुत ही सिंपल सा है यार। आपको लेनी है एक कोई भी प्लास्टिक की छड़ी, ठीक है। प्लास्टिक की छड़ी लेने के बाद आपको उसमें बांधना है ये थ्रेड, कोई भी प्लास्टिक का एक थ्रेड। शायद आपको देखिए बॉल के ऊपर मैं दिखा दूं, ये दिख रहा होगा एक थ्रेड, है ना, ये मैंने इसमें एक थ्रेड बांध रखा है।
पूरा यहाँ से बांध के इसमें टेप कर दिया है। ये एक प्लास्टिक की छड़ी है और मैंने यहाँ से भी बांध के इसके ऊपर एक टेप कर दिया है। उसके बाद हमने अपने अंगूठे में इस बॉल को यूँ ली, अपने अंगूठे में छड़ी को लिया और छड़ी को लेने के बाद खाली हमने उतना ही फंदा बताया बना फंसाया जिसपे कि बॉल ये रुक जाए, और रुकने के बाद हमने इसे दूसरे साइड से भी, आप अपने सीने के सहारे से इसको धीरे से इसे रुका सकते हैं, और हमने दूसरे साइड से ये छड़ी पकड़ ली, ठीक है दोस्तों। और छड़ी पकड़ने के बाद हमने इसको यूं यूं नचाना चालू कर दिया, जो कि बॉल आपकी देखिए बहुत ही प्यार से नाचेगी। हमें थोड़ा सा सहारा यहाँ पे लेना पड़ेगा, और ये देखिए दोस्तों ये बॉल आपकी इस थ्रेड पे चलना चालू हो जाएगी, छड़ी और थ्रेड के बीच में। हमें बस उतनी ही गैपिंग देनी है कि बॉल हमारी गिरे ना, ये देखिए है ना। और बहुत धीरे धीरे हम इसे नचाना चालू कर देते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा हमारे पास आइए और ये दिखाइए कि ये देखिए थ्रेड पे ये बॉल चल रही है। ये देखिए दोस्तों हमने खाली इतनी ही इसमें थ्रेड लगा रखी है ना, जिसमें कि हम बड़े अपने अंगूठे से हमने थ्रेड को संभाल रखा है और ये बॉल उसी पे नाच रही है। ये देखिए ये बीच में ये थ्रेड लगा हुआ है और ये बॉल छड़ी और थ्रेड के बीच में नाच रही है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ये बॉल इस छड़ी पे नाच रही है दूर से देखने पर, है ना दोस्तों। तो दोस्तों आज का मैजिक आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वही पुराना काम यार, आपके भाई को आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। कहीं भी शेयर करिए, शेयर जरूर करना यार, थोड़ा सहयोग हो जाता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली बार फिर हाजिर होऊंगा एक न्यू मैजिक ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय बाबा की दोस्तों।